हेलो एवरीवन सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नंबर थर्टीन पॉइंट सिक्स विच इज रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब तक का प्रोबेबिलिटी में सबसे इजी एक्सरसाइज इसका होने वाला है एक्सरसाइज नंबर थर्टीन पॉइंट फोर सबसे इजी होने वाला है सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थियरी टॉपिक्स एंड देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर थर्टीन सो अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट राइट सो वेन आई टेक वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू इट एवरी थिंग गेट्स क्लियर बट यहां एक लाइन पे हम फोकस करना चाहेंगे रेंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन तो उसका जो भी आंसर आ रहा है रेंडम वैल्यू का जो भी वैल्यू है ओके सो इट इज ऑलवेज रियल नंबर वन मोर थिंग इज देयर वी आर ऑलवेज डिनोटिंग रेंडम वेरिएबल विथ अ कैपिटल लेटर्स ओके तो आप चाहे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई या कोई भी कैपिटल लेटर चूज कर सकते हो बट मोस्ट पॉपुलर वन इज एक्स कैपिटल एक्स सो अस ट्राई टू क्ली क्लियर मोर अबाउट द रैंडम वेरिएबल मान लो कि हमारे पास एक कॉइन uh, है एंड वी आर टॉसिंग इट एंड वी आर टॉसिंग इट टू टाइम्स इन सक्सेशन एक के बाद एक हम टॉस कर रहे हैं ओके सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस सो यू विल से दैट द पॉसिबल आउटकम uh, में भी दोनों हेड आ जाए या फिर एच टी हो जाए या फिर टी एच हो जाए या फिर टी टी हो जाए सो दिस इज अ अल स्पेस नाउ इफ आई विल दैट इफ आई विल डिनोट अ रेंडम वेरिएबल एक्स विच इज नंबर ऑफ हेड्स ऑफ टेन ओके क्या है रेंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ टेन ओके तो यहाँ पे देखो आपके एच एच मतलब टू हेड्स आर देर इसमें वन हेड है इसमें भी वन हेड है और यहाँ पे जीरो हेड है ओके सो ओवर हियर हीस ऑफ एच एच डेट कैन बी रिटर्न एज एज टू वाई बिकॉज यहाँ पे दो हेड्स है एक्स की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ हेड्स ऑफ टेन तो अगर एच एच आया है तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं दो है राइट सिमिलरली एच टी में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं ओनली वन हेड इज देर टी एच में ओनली वन हेड इज देर और टी टी में नो हेड्स आर देर एंड दैट्स वाई इट्स वैल्यू इज जीरो तो ये हो गया रेंडम वेरिएबल एकदम ईजी है कुछ नहीं है एक ही सैंपल स्पेस के लिए वी कैन हैव एज मेनी एज पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक कंसेप्ट uh, है एक एक्सपेरिमेंट है तो उसमें एक ही रैंडम वेरिएबल होता है नो इट इज नॉट लाइक दैट वी कैन आल्सो डिफाइन अनदर रैंडम वेरिएबल कैपिटल वाई दैट इज नंबर ऑफ हैड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स ओके तो देखो y ऑफ एच एच क्या करना है आपको नंबर ऑफ हेड को नंबर ऑफ टेल से माइनस करना है तो एज यू कैन सी यहाँ पे H, H, दोनों हेड ही है और नो टेल्स आर देयर सो इज एच है दोनों एक दूसरे से सबस्ट्रेक्शन में आंसर देंगे जीरो वाई एच टी में भी आंसर आएगा जीरो वाई टी टी सो वाई टी टी में क्या होने वाला है नो हेड्स आर देयर सो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स आर टू इसीलिए यहां पे आंसर आ रहा है माइनस टू सो रेंडम वेरिएबल कैन ऑल्सो टेक माइनस साइन राइट ओके सो एकदम इजी है रेंडम एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर तो यहां पे क्या है कि एक व्हाइट बॉल है ओके व्हाइट व्हाइट बॉल बॉल में हम W1 और W2, ऐसे दो दिखा नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द टू ड्रॉस डिस्क्राइब एक्स देखो यहाँ पे डिस्क्राइब एक्स का मतलब क्या है वैल्यू देट एक्स कैन टेक एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है राइट right? तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे दो बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो टू वाइट एंड वन रेड एंड देट इज टू विथ रिप्लेसमेंट ओके ओके तो यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि दोनों बोल है वो वाइट uh, ही आ जाए सो दैट इज डबल यू वन डबल यू टू राइट ओके ऐसा भी हो सकता है हमने यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट लिखा है तो पहली बार आपने W1 वन चुना हो तो दूसरी बार भी वही बोल आपको रिपीट में मिल जाए ऐसा भी हो सकता है राइट ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यू टू है वो रिपीट हो जाए ऐसा भी हो सकता है कि W2 टू पहले आ जाए और उसके बाद डब्ल्यू वन आ जाए राइट तो ये डब्ल्यू की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ गई अभी रेड के साथ करते हैं सो डबल्यू वन आर इज ऑल्सो पॉसिबल और आर सिर्फ आर लिख रहा हूं आर वन नहीं लिख रहा हूं ठीक है आर डब्ल्यू वन इज ऑल्सो पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि W2 टू पहले आए और उसके बाद रेड बॉल आए और ऐसा भी हो सकता है कि पहले रेड बॉल आए और उसके बाद W2 आए सो इट मीन्स दैट नाउ वी हैव ऑल पॉसिबल आउटकम्स इफ आई काउंट हाउ मेनी आर देयर सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो देर आर एट पॉसिबल आउटकम्स राइट

डबल्यू टू राइट एक्स ऑफ फिर कर ब्रैकेट में डबल्यू वन डबल्यू टू एक्स की वैल्यू क्या है रेड बॉल्स तो इन दोनों में से कोई रेड बॉल है येस और नो योर आंसर इज नो राइट तो इसकी वैल्यू है वो जीरो आएगी ऐसे और कौन कौन से है तो डबल्यू वन डबल्यू वन कॉम्बिनेशन है या फिर W2 W2 टू कॉम्बिनेशन है या फिर W2 जितने भी W वाले हैं वो सभी में कोई रेड बॉल नहीं है और इसके लिए सभी के x का आंसर जीरो आएगा राइट सिमिलरली आप खुद सोचो कि x है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है या, या तो इन फर्स्ट फोर जो है उसमें उसकी वैल्यू है वो जीरो हो रही है राइट और जो लास्ट फोर है वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो वन uh, हो रही है और ऐसा भी हो सकता है लास्ट कॉम्बिनेशन के जिसमें दोनों टाइम्स रेड बोला जाए तो उस टाइम पे एक्स कैन टेक इक्वल्स टू टू तो वही हम सिर्फ लिस्ट कर रहे हैं राइट टोटल आउटकम्स आर नाइन इट वाज माय मिस्टेक ओके सो ओवर हियर लेट अस मेक इट लाइक दिस के डबल्यू वन आर वन आर फिर आएगा आर डबल्यू वन फिर आएगा डब्ल्यू टू आर और यहाँ पे आएगा आर डब्ल्यू टू सो इन ऑल दिस केसेस नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर वन और लास्ट केस है जिसमें दोनों विड्रोल्स में ड्रोज में हमारा जो रेड बॉल ही निकल के आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे ये यह वैल्यू होगा टू सो व्हाट आई शुड राइट नाउ डिस्क्राइब एक्स ऐसा लिखा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दस एक्स can take values 0 1 and 2 ok thus x can take value 0 1 and 2 a is able except x 0 1 and 2 right ok now next topic is 13.6.1 uh, that is probability distribution of a random variable right तो रैंडम वेरिएबल कभी अकेला नहीं होता है उसके साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जुड़ा हुआ होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पी भी बोलते हैं रेंडम वेरिएबल को आर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ओके सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि एक फैमिली सॉरी टेन फैमिली है ओके सो एफ से लेके एफ तक है राइट right? और उसमें मेंबर्स है सभी में अलग अलग मेंबर्स है जैसे कि F1 में तीन मेंबर्स है F2 में चार है F3 में थ्री है F5 में फाइव है F8 में सिक्स है सभी में अलग अलग मेंबर्स है इफ एक्सपेरिमेंट इज लाइक दिट चूजिंग अ वन फैमिली आउट ऑफ टेन चूजिंग अ वन फैमिली आउट ऑफ टेन ये हमारा एक्सपेरिमेंट है ओके एंड रेंडम वेरिएबल एक्स क्या है दैट इज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ओके नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स तो मान लो कि हमने एक ये एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एफ वन फैमिली है वो सिलेक्ट हुआ है आउट ऑफ टेन एफ वन फैमिली है वो सिलेक्ट हुआ है तो व्हाट इज एक्स एक्स इज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन एफ वन तो एफ वन में कितने हैं तीन है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा तीन सेम वे यू कैन राइट फॉर एक्स ऑफ एफ टू इज इक्वल टू फोर एफ थ्री के लिए आप लिखोगे तीन एफ फोर के लिए लिखोगे टू एफ फाइव के लिए लिखोगे फाइव मैं यहां से डायरेक्टली लिख रहा हूं और कोई टेक्निक नहीं है ओके फोर देन आफ्टर एक्स ऑफ एफ सेवन इज थ्री एक्स ऑफ एफ एट इज सिक्स एक्स ऑफ एफ नाइन इज फोर एंड एक्स ऑफ एफ टेन इज फाइव राइट देन वॉट देन आई कैन रिप्रेजेंट द सेम डेटा यही डेटा है लेकिन मैं दूसरे व्यू से प्रेजेंट करना चाहूंगा एक्स कैन टेक वैल्यू एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है तो आपको मिनिमम से स्टार्ट करना है इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है तो मिनिमम नंबर है दो फैमिली दो मेंबर्स वाली फैमिली एफ फोर की है ओके okay. उसके बाद आता है तीन चार पांच और छ छह से ज्यादा नहीं है सो एक्स कैन टेक वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स अभी